ये ट्वीट खेलते हैं, हिम्मत है तो शराब के खिलाफ सड़क पर उतर करके ये लड़े। ठोंगी भगोड़ा पूरा घर शराब में डूबा हुआ। सिर्फ बिहार है जहां पुल सबसे ज्यादा लूट, सबसे ज्यादा अरबों खरबों रुपया थानेदार के पास अधिकारी है। हिंदुस्तान में बिहार की पुलिस सबसे ज्यादा अहंकारी और पुल लूटती है। तो बिहार तो चार आदमी से चलता है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और ठेका माफिया। ये चार माफियाओं के गाड़ी में संजय जायसवाल जी के गाड़ी में विजय गुप्ता, नीतीश कुमार जी की 7 घंटा मैराथन बैठक। मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार जी को, 2016 के मुहिम चलाएंगे वो। और ये बात भी सही है कि दो भाइयों ने मिलकर के इस कानून को लाया था, सही उन्होंने कहा। मैं उनके संकल्प पर मेरा शंका नहीं है, ना उनके नियत पर शंका है, बस शंका है इस बात को लेकर कि क्या गांधी सिर्फ बिहार में ही बच गया? जहां के गांधी थे गुजरात में, वहां ड्राय प्रदेश होने के बाद ओपन है और कोई जेल नहीं जाता है, पूरे देश में ओपन है। आप यदि संकल्प के साथ ये काम कहना चाहते हैं कि ना यह होगा, तो मेरा आग्रह है टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा आम आदमी पर खर्च होना चाहिए। आप वहां नहीं करके टैक्स के पैसे से विधायपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। बिजली, पानी, घर, ट्रेन, प्लेन सब फ्री, बेटा बेटी को गाड़ी फ्री, माँ बाप को गाड़ी फ्री, दवाई फ्री। जब पब्लिक के पैसे से पूरा का पूरा सब कुछ फ्री, तो सबसे पहली जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी विधायपालिका की क्यों नहीं? फिर वही पुनः मुझको बाबा, फिर चुहिया की चुहिया वही रोना, चौकीदार से दफेदार, दफेदार से थानेदार। हमको तो लगता है कि ये मैराथन बैठक परसेंटेज को बढ़ाने के लिए किया गया, पीसी और बंटवारा को डिस्टर्ब। अब प्रभारी मंत्री जी जाएंगे हर महीना जिले में, तो इसका मतलब जहां 10 जगह बंटवारा था शराब का पैसा, अब बर्मा जगह भी बंटवारा होगा। डिसेंट्रलाइज मतलब तुम भी लूटो, हम भी लूटो, तू खा, हम हूं खाए, सब मिलकर खा। थानेदार और चौकीदार के बारे में उन्होंने कहा कि जहां शराब पकड़ेगा वो सस्पेंड होंगे, तो अब तो हमको लगता है कि शराब थानेदार और चौकीदार पकड़ेगा ही नहीं, काहे का पकड़ेगा जब सस्पेंडे होंगे वो तो देख करके। हाँ, जहां मरेंगे आप वहां पर सस्पेंड करेंगे, वो भी उसको भी नहीं आने देगा लोग। तो अब तो जो चौकीदार या थानेदार कभी कभी पकड़ भी लेता था, अब तो वो जिंदगी में कभी पकड़ेगा ही नहीं, अब तो और मजे हो गया। और के पाठक जी को ले आए तो इसका मतलब दाम ट्रिपल कर दिए। अब माफिया कहेगा अब मैं क्या करूंगा, तो बोलेगा दाम डबल। के पाठक अलाउद्दीन के चिराग हैं। अरे नीतीश जी, सबसे पहले आप एक्साइज को अकाउंटेबिलिटी डालिए ना, आप सब थानेदार को, थानेदार का काम है सीआरपीसी का, उसको लगा दिए आप ट्रैफिक में, और ट्रैफिक को आप क्या करिएगा, उसको लगा दिए डीटीओ में, उसको लगा दिए आरटीओ में, उसको लगा दिए एक्साइज में। थानेदार का काम है सिर्फ सीआरपीसी के तहत जो केस एक्ट होता है उसके तहत कार्रवाई करना और चार्जशीट करके अपराधियों को सजा देना। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर पुलिस को इतना मोनोपोली करने की छूट दे रखी। सिर्फ बिहार है जहां पुल सबसे ज्यादा लूट, सबसे ज्यादा अरबों खरबों रुपया थानेदार के पास अधिकारी है। तो हिंदुस्तान में बिहार की पुलिस सबसे ज्यादा अहंकारी और पुल लूटती है। फिर आप सारा डिपार्टमेंट क्यों बनाए हुए हैं? ट्रक का जांच वही, बस का जांच वही, होटल का जांच वही। ये जो बैठक है, पहले आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए विधायपालिका, कार्यपालिका। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है,
कि थानेदार से डीएसपी तक को बर्खास्त करिए, बिना बर्खास्त के और 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करिए, आम जनता को जेल मत भेजिए। आप कह रहे हैं इतने आदमी को अब सजा हुई, किसको सजा हुई? पैसा भी हम 3 गुना दिए शराब के, मरे भी हम, थानेदार को नहीं जेल जाने के लिए पैसा दिए और जेल गए 6,32,000, तो वकील को पैसा दिए और परिवार भी टूट गया। मेंटल टॉर्चर, इकोनॉमिकल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और फैमिली टॉर्चर, मतलब लगातार टॉर्चर, मरे भी हम। अब वो कह रहे हैं कि डिलीवर बॉय जेल जाएगा, मतलब माफिया नहीं जेल जाएगा। और मेरा आग्रह है पार्टी के अनुसार, जिस दिन मैराथन बैठक हुई उसके शाम से दलित और गरीबों के गांव में थानेदार ढुक ढुक करके थाना में लाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती दारू का पोस्ट देकर के। उस दिन के बाद एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुए, पर माफिया बड़ा बड़ा। इस मैराथन बैठक से प्रभारी मंत्री का निराला हो गया, पाठक के आने से पीपल हो गया माल। अब जो पकड़ता था वो नहीं पकड़ेगा, और साथ साथ दलितों पर और गरीबों पर जुल्म बढ़ गया, क्योंकि उन्हें कोटा पूरी कर दी है, तो जो पैसा देता है वो तो करेगा नहीं। एसपी डीआईजी तक को आप सस्पेंड करिए और डीएसपी से दरोगा इंस्पेक्टर को बर्खास्त कीजिए, एक्साइज इंस्पेक्टर को बर्खास्त कीजिए, एक्साइज सुप्रिटेंडेंट को सस्पेंड कीजिए। आपने ये कानून लाया था उस वक्त, फिर आपने ढील दी, फिर मैराथन बैठक की, मैं आपके साथ हूं, आप दारू को बंद करिए। लेकिन दारू को बंद करने के पहले देसी दारू, स्मैक, गांजा, हफीम चरस नहीं, कोरेक्स, मेरा डिमांड है, हर बच्चों के हाथ में स्मैक जा चुका है। मेरा तीसरा डिमांड है, जो लोग स्मैक और दारू पीते हैं उसको चुनाव प्रक्रिया से वंचित करिए। यदि आप 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होगा तो फिर चुनाव प्रक्रिया, यदि आप अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, चुनाव आयोग का कहना अपराधी और अपराध को टिकट नहीं देना है, तो बिहार तो 4 आदमी से चलता है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और ठेका माफिया। ये 4 माफियाओं के गाड़ी में, संजय जायसवाल जी के गाड़ी में विजय गुप्ता, विपक्ष के नेता के गाड़ी में सुबोध राय, सब माफिया का पैसा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सब बड़े नेताओं का। इलेक्ट्रॉनल पॉलिटिक्स को चेंज करिए, यदि सही माने में नीतीश जी आप संकल्पित हैं, और जहां पर ठेका का और माफिया पकड़ाता है उसका आधार कार्ड बिहार का छीन लीजिए और सरकारी सुविधा से वंचित कर दीजिए, पानी, बिजली और बैंकिंग। यदि आप कठोर हैं, एकदम अडिग है कि गांधी को स्थापित कर देना है बिहार में, तो आपको पहले ऊपर से झाड़ू देना पड़ेगा, नीचे से नहीं। हमेशा नीतीश बाबू आप नीचे से, अंगना से झाड़ू देना चाहते हैं, जबकि ऊपर से झाड़ू दिया जाता है। और अब दारू के मामले में अंतिम बात करना चाहूंगा, नेताओं की डीएनए टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, पदाधिकारी का ब्लड टेस्ट हो, और इनकी संपत्ति की, पदाधिकारी और नेताओं की संपत्ति की जांच हो। आप कहते हैं अवेयरनेस लाइए, दारू ना पिए, नेपाल और पंजाब दिल्ली जाकर के हम दारू पिएंगे और यहां लत छोड़ा देंगे। इसीलिए पप्पू यादव का, जन अधिकार पार्टी का डिमांड है कि आप रायशुमारी करिए पूरे पब्लिक से, दारू पर आप किसी से, पदाधिकारी से मत पूछिए, अपने आत्मा से भी नहीं पूछिए। आप यदि पब्लिक के प्रतिनिधि हैं तो डेमोक्रेसी में पब्लिक इंपॉर्टेंट होता है, आप
वोटिंग करवाइए कि पब्लिक क्या चाहती है, और जो पब्लिक चाहती है उसको आप तय करिए। ये मेरा आग्रह है नीतीश कुमार जी से। पब्लिक यदि चाहती है तो आप करिए। मेरा और कोई राय नहीं है कि आप इंग्लिश शराब खोल दीजिए, टैक्स बढ़ा दीजिए 85%, ये कोई राय नहीं है। इसलिए वो मैराथन बैठक आपका नियत सही था, वहां पर आपके कुल में जो पदाधिकारी हैं सब ठेकेदार माफियाओं से मिले हुए हैं, पैसा खाते हैं, और लगभग सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता 80% इसमें पैसा लगाए हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। क्या कारण है कि विपक्ष भगोरे हैं और बीजेपी बोलती है? राघवेंद्र कुशवाहा जी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा 80% थानेदार शराब के मामले पर फेल है। संजय जायसवाल ने कहा शराब बिछवाती है पदाधिकारी। तो जब जदयू और आप ही के लोग कह रहे हैं तो फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि शराब नहीं बिक रहा? या तो नेता शराब माफिया के गाड़ी में, माफियाओं के गाड़ी में, या तो माफिया नेताओं के गाड़ी में। हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हमें हम नटवा। मैंने पहले भी माफियाओं का लिस्ट जारी किया था कुछ, और फिर मैं आज लिस्ट जारी कर रहा हूं कुछ 23। ये 23 लिस्ट है। मैंने 29 है। उस दिन 63 का किए थे, फिर करते रहेंगे। ये 29 का है, ये 29 का लिस्ट है। मैं जांच चाहता हूं इनकी संपत्ति का, इनके इन्फॉर्मेशन का। मैं नाम लेते जा रहा हूं, आप जांच करते चलिए। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप मिल लीजिए। और मैं सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष से जानना चाहता हूं, क्या आपके दल में लगभग लोग शराब और बालू में इन्वॉल्व है या नहीं? और आप जब, मेरा बहुत बड़ा सवाल है ये, जब आप दरभंगा जा सकते हैं 3 तारीख को ओथ लेने के लिए, तो मुजफ्फरपुर में 12 आदमी मरे थे, आप वहां क्यों नहीं गए? आप कितना संवेदनहीन इंसान है कि सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा पागल हो चुके? आप गोपालगंज नहीं गए जहां पर माए और बाप दोनों पैदा लिया इसका, ननिहाल और ददिहाल दोनों है। ये ट्वीट खेलते हैं, हिम्मत है तो शराब के खिलाफ सड़क पर उतर करके ये लड़े। ढोंगी भगोड़ा, पूरा घर शराब में डूबा हुआ। तीसरी चीज,